Hello everybody, I am Deepika from LearnoHub, a free learning platform where you can study physics, chemistry, maths, biology absolutely for free only at LearnoHub.com. बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 बायो के नेक्स्ट चैप्टर दैट इज स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। तो इसमें हैं बहुत सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस, तो आज हम ओनली 6 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन इन ब्रीफ द रोल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन ह्यूमन वेलफेयर। तो ह्यूमन वेलफेयर में एनिमल हस्बेंड्री का क्या रोल है? तो सबसे पहले हमें ये जानना इम्पोर्टेंट है कि एनिमल हस्बेंड्री होती क्या है, ये वर्ड है क्या। इसका मतलब होता है एनिमल हस्बेंड्री भी एग्रीकल्चर में आती है। अगर आप याद करो क्लास 8 में हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसके एंड में एक छोटा सा हमने टॉपिक पढ़ा था दैट इज एनिमल हस्बेंड्री। तो what is animal husbandry, it is a branch of agriculture which is associated with rearing of animals for their meat, for eggs, for milk and for their fiber। ठीक है, तो हमें ये सब चीज़ें मिलती हैं एनिमल्स से, तो हम एनिमल्स का टेक केयर करते हैं, उनको प्रॉपर शेल्टर देते हैं, प्रॉपर फूड देते हैं, क्लीन लिविंग एनवायरनमेंट देते हैं, क्लीन जो उनके हाउस होते हैं वो रखते हैं, उनको प्रॉपर मेडिसिन देते हैं, उनकी वैक्सीनेशंस होती हैं, सो दैट वी कैन यूज देम फॉर दीज पर्पजेज, फॉर मिल्क, फॉर मीट, फॉर एग्स, फॉर फाइबर्स। ठीक है, तो रोल क्या है एनिमल हस्बेंड्री का ह्यूमन वेलफेयर में। ह्यूमन वेलफेयर में एनिमल हस्बेंड्री क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये हमें बहुत सारी चीज़ें देती है, इट प्रोवाइड्स अस मेनी प्रोडक्ट्स जैसे कि विच इज़ यूज्ड एज अ फूड, जैसे कि मीट है, मिल्क है, एग्स है, हनी है। तो ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं? ये हमें मिलती हैं एनिमल्स से। देन इट provides us some products like wool, silk, leather, bee wax, etc. which are obtained from animals as well। तो अगर हम हनी की बात करें, जो हम शहद खाते हैं वो हमें हनी बीज से मिलता है, right? So it also comes under animal husbandry। ठीक है, तो वैसे अगर हम बात करें जो वूलन क्लोथ्स, तो वूल हमें कहाँ से मिलती है? याक से भी मिलती है, शीप से भी मिलती है। सिल्क की बात करें तो सिल्क हमें मिलती है सिल्क वर्म से। ठीक है, लेदर की बात करें तो वो एनिमल्स की स्किन होती है। तो ऐसे जो एनिमल्स हैं, जो एनिमल हस्बेंड्री है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम एनिमल्स का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी। तो आई होप दिस वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ योर फैमिली ओन्ड अ डेयरी फार्म, what measures would you undertake to improve the quality quantity of milk production? ठीक है, अब मान लो कि आपके पास एक डेयरी फार्म है, आपके पास बहुत सारी गाय हैं, बफलोज भी हैं, ठीक है, गोट्स भी हैं, तो आप क्या करोगे ताकि जो मिल्क आपको बाय द एंड ऑफ द डे जो मिल्क की प्रोडक्शन है उसकी जो क्वालिटी है वो भी अच्छी हो, ठीक है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स, थिक मिल्क, ठीक है, और दूसरी चीज़ की उसकी क्वांटिटी भी अच्छी हो, काफ़ी सारा दूध मिले। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं? तो मैंने अपने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हो और अपने आप और भी पॉइंट्स यूज ऐड कर सकते हो इसमें। तो सबसे पहले है फीडिंग ऑफ कैटल। सी, अगर हम खाने की बात करते हैं, अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं, तो हम ह्यूमंस में भी यही पढ़ते हैं ना कि हेल्दी खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, जंक मत खाओ। तो वैसे ही जैसे हेल्दी खाना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिले, वैसे ही जो कैटल की फीड है, ठीक है, जो कैटल खाना खाती है वो भी वैसे ही इम्पॉर्टेंट है। तो फीडिंग कैटल विद गुड क्वालिटी ऑफ फूड, क्लीन वाटर, ठीक है, तो खाना भी अच्छा देना है और जो पीने को पानी देना है वो भी साफ देना है, जैसा हम अपने लिए यूज करते हैं। देन क्लीन एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट फॉर कैटल। तो अब जो अगर मेरा फार्म होगा तो जो शेड्स बने होंगे एनिमल्स के लिए, उनके रहने के लिए,
उनको अच्छे से पीरियोडिकली क्लीन किया जाएगा, उस एनवायरमेंट को साफ रखा जाएगा ताकि वहां पर एनिमल्स कैटल्स अच्छे से रह सके। देन वेल वेंटिलेटेड एंड वेल इल्यूमिनेटेड कंफर्टेबल चेंबर्स, तो वेल वेंटिलेटेड होने चाहिए, हवा भी अच्छी आए, लाइट भी अच्छी हो, वेल इल्यूमिनेटेड चेंबर्स होने चाहिए। देन कमिंग ऑन टू प्रॉपर मेडिकेशन इन केस ऑफ एनी डिजीजेज, अगर कोई भी, क्योंकि जैसे ह्यूमन्स में डिजीजेज होती हैं तो हमने माइक्रोब्स वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था, क्लास 8 में जब हम माइक्रोब्स वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो हम उसमें पढ़ते हैं कि देर आर डिजीजेज विच आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और वो ह्यूमन्स में भी होती हैं, एनिमल्स में भी होती हैं और प्लांट्स में भी होती हैं। तो माइक्रोब सब में डिजीजेस कॉज करने की कैपेबिलिटी रखता है, तो वैसे ही एनिमल्स को भी, जैसे हम प्रॉपर वैक्सीनेशन लेते हैं अगेंस्ट सर्टन डिजीजेस, ठीक है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, फिर कॉलरा है, देन कमिंग ऑन टू BCG, टेटनस, ये सारी वैक्सीनेशन हम लेते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो वैसे ही इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी जो केटल है हम उनको भी प्रॉपरली वैक्सीनेट करें एंड ऑन टाइम। देन सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड्स हैविंग हाई यील्डिंग कैपेसिटी, तो जब भी हम केटल, कोई नई केटल लेकर आ रहे हैं, नई गाय लेकर आ रहे हैं, ठीक है, नई बफलो लेकर आ रहे हैं, तो वहां पर हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि वो जो ब्रीड है जो हमने सिलेक्ट की है वो ऐसी हो जो अच्छी हो, जो अच्छी ब्रीड हो, जो अच्छी क्वालिटी का दूध दे और जो अच्छी क्वांटिटी में दूध दे, दूध ज़्यादा भी हो और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। हाई यील्डिंग कैपेसिटी कंबाइंड विथ रेजिस्टेंस ऑफ डिजीजेस, अब कई जो, अगर हम एक तरह की, अगर हम क्रॉप की अगर बात कर लें सिंपली, क्योंकि हमने क्रॉप्स के बारे में बहुत पढ़ा है, तो अगर हम एक क्रॉप की बात कर लें तो हमने अलग अलग वेराइटीज़ पढ़ी हैं, ठीक है। अब जैसे राइस है, राइस में भी अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं राइस की, तो बेस्ट राइस की वेराइटी किसको बोला जाएगा, जो हाई यील्ड भी दे, अच्छी क्वालिटी भी दे और उसमें डिजीज रेजिस्टेंस भी हो, ठीक है, कि जो डिजीज बाकी सारी क्वालिटीज में, मतलब जो इंसेक्ट से, पेस्ट से जो डिजीजेस हो जा रही हैं वो किसी एक में नहीं होती हो। तो वैसे ही केटल में भी हमें ऐसी केटल चूज करनी है जिसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज गुड एंड इट इज रेजिस्टेंट टू डिजीजेस। Then coming on to choosing good breeds of cattle, so it is one and the same thing जो हमने point number 4 में discuss किया। Then regular baths and brushing of cattle, तो cattle जैसे हमारी body के लिए personal hygiene important है, वैसे ही cattle के लिए भी personal hygiene बहुत important है, तो उनका भी हमें वैसे ही ध्यान रखना है जैसे हम अपना रखते हैं। देन प्रॉपर वैक्सीनेशन, ठीक है, मेडिकेशन टाइम टू टाइम जब डिजीजेस हों, और जो भी केटल के लिए अगर कोई नई डिजीज आती है तो उसके अगेंस्ट उनको वैक्सीनेट टाइम टू टाइम किया जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपको लगता है कि कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो इसमें ऐड किए जा सकते हैं तो आप ज़रूर करना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वॉट इज मेंट बाय द टर्म ब्रीड, What are the different objectives of animal breeding? तो सबसे पहले ये जो टर्म ब्रीड होती है हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं, जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में बात कर रहे थे कि जब हम केटल लाएं तो हम उसकी ब्रीड चेक करें कि क्या उसकी मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी अच्छी है या नहीं है और उसकी क्वालिटी कैसी है मिल्क की, तो वो सारी चीजें हमें पता हों। तो ब्रीड जो है ना वो बहुत कॉमनली हम किसके लिए यूज़ करते हैं, डॉग्स के लिए यूज़ करते हैं। तो क्या होता है कि अगर हम डॉग्स को देखें, बहुत सारे तरह के हमें डॉग्स देखने को मिलते हैं, जैसे पग्स जो बिल्कुल छोटे से होते हैं, फिर जर्मन शेफर्ड जो काफ़ी टॉल हाइटेड होते हैं, लैब्राडोर जो इन दोनों से अलग दिखते हैं, ठीक है, बुल डॉग्स वो और अलग दिखते हैं। तो हैं ये सारे के सारे डॉग्स ही, लेकिन ये अलग अलग ब्रीड्स हैं। तो ब्रीड क्या हुआ, वो ग्रुप ऑफ एनिमल्स जिनके सेम तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे पग, उन जितने भी पग होंगे ना उनका एक कॉमन फीचर, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, साइज, अपीयरेंस एक जैसा होगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये पग है, ठीक है। सो दीज आर द ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स सच एज साइज एंड अपीयरेंस। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि एनिमल ब्रीडिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो ये एनिमल ब्रीडिंग क्या होता है, मतलब कि हम दो ब्रीड्स को आपस में उनके मतलब
क्या कराते हैं, रिप्रोड्यूस कराते हैं ताकि हमें अच्छा रिजल्ट मिल सके, मतलब जो प्रोजेनी आए वो अच्छी हो, बेटर क्वालिटी की हो। तो ऑब्जेक्टिव क्या हुए, ऑब्जेक्टिव यही हुए कि जो हमारे ईल्ड है एनिमल्स की वो अच्छी हो। दूसरा, देयर शुड बी इंक्रीज इन डिजायरेबल ट्रेट्स एंड फीचर्स, मतलब जो दोनों की अच्छे अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हों वो उनकी प्रोजेनी में आए। उसके बाद द प्रोड्यूस प्रोड्यूस सुपीरियर ब्रीड्स विद डिजीज रेजिस्टेंस, जो ब्रीड्स है ना वो अच्छी ब्रीड्स मिले और डिजीज रेजिस्टेंस हो, ठीक है, वो नॉर्मल कॉमन डिजीजेस जो हर एनिमल को हो रही है उनसे बेटर उनमें डिजीज रेजिस्टेंस हो और उन बीमारियों को वो जल्दी नहीं पकड़े और हेल्दी रहे, ठीक है। सो दीज आर द थ्री ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द मेथड्स एम्प्लॉयड इन एनिमल ब्रीडिंग अकॉर्डिंग टू यू, विच ऑफ द मेथड्स इज द बेस्ट एंड व्हाई। तो हमें मेथड्स बताने हैं एनिमल ब्रीडिंग के, कौन कौन से मेथड से एनिमल्स को ब्रीड किया जा सकता है, क्या क्या अलग अलग मेथड्स हैं। तो सबसे पहले तो है मेथड्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग में, एक आ गए नेचुरल मेथड्स और दूसरे आ गए आर्टिफिशियल मेथड्स, ठीक है। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो नेचुरल मेथड्स में क्या होते हैं, इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग। तो इन ब्रीडिंग मतलब जो क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स हैं हम उनको मेट कराते हैं फॉर 4 to 6 generations। आउट ब्रीडिंग में क्या होता है, जो अनरिलेटेड एनिमल्स हैं हम उनको मेट कराते हैं फॉर 4 to 6 generations, ठीक है। मतलब ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स आइदर ऑफ सेम ब्रीड और नॉट हैविंग द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और आर ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स, मतलब वो अलग ब्रीड्स के भी हो सकते हैं, सेम ब्रीड्स के भी हो सकते हैं, या फिर उनमें कोई भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो, ऐसे भी ब्रीड्स हो सकती हैं। तो दीज आर द नेचुरल मेथड्स। आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ नेम बोला है, एक्सप्लेन नहीं बोला है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल मेथड्स कौन कौन से हैं। तो आर्टिफिशियल मेथड्स में आते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो सबसे पहले है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, ये एक कंट्रोल्ड ब्रीडिंग मेथड है जिसमें जो सीमन होता है सिलेक्टेड मेल पेरेंट से उसको ट्रांसफर किया जाता है इनटू द सिलेक्टेड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। मतलब एक हमने मेल सिलेक्ट किया है, एक हमने फीमेल को सिलेक्ट किया है। अब ये जो मेल है, ठीक है, इससे सीमन को ट्रांसफर किया जाता है इनटू दिस फीमेल, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। देन कमिंग ऑन टू मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर। तो इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो स्टार्ट किया गया था टू इम्प्रूव द हर्ड ऑफ एनिमल, जैसे कि कैटल में, शीप में, से गोट्स में, ठीक है। तो इसमें ये हर्ड इम्प्रूवमेंट के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। तो इसमें क्या होता है, जो हाई ईल्डिंग मिल्क की ब्रीड्स होती है ना, उन मतलब मिल्क कौन देगा, फीमेल देगी, ठीक है। तो जो हाई मिल्क ईल्डिंग ब्रीड होती है फीमेल की, उसको ब्रीड कराया जाता है विद हाई क्वालिटी मीट ईल्डिंग बुल्स, ठीक है। तो मतलब जो फीमेल है उसमें ये देखा जाता है कि मिल्क कौन ज्यादा दे रहा है, कौन सी ब्रीड ज्यादा दे रही है, और मेल्स में ये देखा जाता है कि जो मीट है वो कौन अच्छा दे रहा है, ज्यादा दे रहा है। यूजुअली क्वालिटी देखी जाती है मीट की। तो इन दोनों को आपस में ब्रीड कराया जाता है और इससे क्या होता है, इससे इस पर्टिकुलर जो केटल कि जो ब्रीड है, मतलब जो हर्ड है उसका साइज बढ़ जाता है। मतलब थोड़े से टाइम में बहुत सारी हमें पॉपुलेशन देखने को मिलती है, बहुत सारे उस इंडिविजुअल्स देखने को मिलते हैं उस पर्टिकुलर कैटल के, ठीक है। सो दिस इसको ना हम शॉर्ट फॉर्म में MOET भी बोलते हैं, और कई बार इसका जस्ट इसका एक्सपेंशन पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, दैट इज मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर। तो गुड क्वालिटी ऑफ मिल्क जो फीमेल देती है उसको सिलेक्ट किया जाता है, और दूसरी तरफ जो गुड क्वालिटी ऑफ मीट देता है मेल उसको सिलेक्ट किया जाता है, उनको आपस में ब्रीड कराया जाता है और थोड़े ही टाइम में उनकी पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कराया जाता है।
अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सेकंड पार्ट क्या था क्वेश्चन का कि अब हमने चार मेथड्स पढ़े, ठीक है, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, MOET, तो अब इन में से आपको क्या लगता है कौन सा बेस्ट है, या नेचुरल और आर्टिफिशियल में से भी आप आंसर दे सकते हो। तो अगर ये जो आंसर है ना, ये वेरी कर सकता है मुझ में और आप में, तो मैं आपको अपना आंसर बताऊंगी, आप अपने हिसाब से अपना आंसर फ्रेम करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मी जो आर्टिफिशियल मेथड्स है ना, वो ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि इससे हमें गुड क्वालिटी मिलती है प्रोजेनी की। मतलब अगर हम मिल्क की ही बात कर रहे हैं, तो जो क्वांटिटी और क्वालिटी है हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं यूजिंग आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग। सो इट इज़ ऑल्सो इकोनॉमिक एज वेल एज टाइम सेविंग प्रोसेस टू ऑब्टेन द डिजायरेबल प्रोजेनी। तो हम इस मेथड से, आर्टिफिशियल मेथड्स की हेल्प से, हम एक तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थोड़े से टाइम में ग्रो कर सकते हैं, और दूसरा ये इकोनॉमिक भी है, ये हमारा टाइम भी बचाता है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको ये लगे कि नेचुरल मेथड ज्यादा अच्छे हैं, तो वो क्यों है वो रीजन आपको देना पड़ेगा, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज एपिकल्चर, एपिकल्चर है क्या एंड हाउ इट इज इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स, एपिकल्चर क्या है और हमारी लाइफ में एपिकल्चर क्यों इम्पॉर्टेंट है, कैसे इम्पॉर्टेंट है। तो एपिकल्चर क्या है, इट इज रिलेटेड टू हनी बीज, सो इट इज रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ हनी बीज फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी, हनी की प्रोडक्शन के लिए हनी बीज को रेयर करना और उनकी ब्रीडिंग कराना, दैट इज कॉल्ड एज एपिकल्चर, ठीक है। तो अब क्यों इम्पॉर्टेंट है एपिकल्चर हमारी लाइफ में, तो हमारी लाइफ में एपिकल्चर इसलिए इम्पॉर्टेंट है, पहली बात क्योंकि हमें हनी मिलता है, और हनी जो है वो बहुत ही, अगर हम प्योर हनी खाते हैं ना, सो दैट इज हाईली न्यूट्रिटिव, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है हनी में। फिर इसी हनी को एज अ बी, ये जो बी वैक्स है ना, इट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज में भी इसे यूज़ किया जाता है। जो हनी बीज हैं दे पॉलिनेट फ्लावर्स, इसलिए एपिकल्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा मधुमक्खियाँ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दीज हनी बीज दे हेल्प्स इन पॉलिनेशन। हमने ये पढ़ा है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, कि हाउ दे हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर। तो अगर हनी बीज नहीं होगी तो पॉलिनेशन नहीं होगी, पॉलिनेशन नहीं होगी तो खाना नहीं बनेगा। सो दिस शोज हाउ इम्पॉर्टेंट एपिकल्चर इज। देन इट रिप्लेस शुगर एज एन हेल्दी ऑल्टरनेटिव। तो शुगर, अब हनी भी मीठा ही होता है, हम चाय में, दूध में, हम या किसी भी फॉर्म में हम शुगर को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ में अगर आप चाहते हैं कि आपको शुगर नहीं खानी है बिकॉज दैट इज़ नॉट हेल्दी, तो आप वहाँ पर हनी का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी है। देन इट हैज़ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, इसकी जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी वजह से ये वूंड्स को हील करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट देखा गया है। देन इट इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रीट कफ एंड कोल्ड, तो कफ एंड कोल्ड के लिए भी हनी, if you are using pure honey, so that is very very helpful, very very beneficial to us, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द रोल ऑफ फिशरीज इन एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। तो फूड प्रोडक्शन को एनहेंस करने में फिशरीज का क्या रोल है, तो अगर हम फिशरीज की बात करें, इट इज रिलेटेड टू कैप्चरिंग, प्रोसेसिंग, टेकिंग केयर ऑफ द फिशेज, ठीक है। तो इट इज बेसिकली कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स, जिसमें कि हम फिशेज का ध्यान रखते हैं और उनसे अलग अलग चीजें लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये सबको पता है कि फिशेज दे आर रिच इन प्रोटीन्स, तो जब भी हम फिश खाते हैं दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड वी ऑल्सो गेट विटामिन्स एंड मिनरल्स फ्रॉम देम। तो विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, सब कुछ हमें फिशेज से मिलता है, सो इट इज अ कंप्लीट फूड अगर हम बोलें तो, ठीक है। देन कमिंग ऑन टू, वी ऑल्सो गेट फिश लीवर ऑयल, जो कि मेडिसिन इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज होता है। देन देर आर क्रैब्स, देर आर प्रॉन्स, देर आर लॉबस्टर्स, सो दीज ऑल कम अंडर फिशरीज, ठीक है। फिशरीज इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू फिशेज, बट इट लॉबस्टर्स, क्रैब्स, प्रॉन्स, ये सारी चीज़ें फिशरीज में आती हैं, और इनसे भी हमें क्या मिलता है,
खाना मिलता है. देन इट प्रोवाइड्स इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू पीपल हु आर लिविंग इन कोस्टल एरियाज. तो जो कोस्टल एरियाज के आसपास रहते हैं उन लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है, उन लोगों के लिए एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है जिससे कि वो अपना खाना खा सकते हैं, ठीक है, पैसे कमा सकते हैं और खाना खा सकते हैं. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6. अब जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. और तब तक जैसा कि आप जानते हैं, लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है.